ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितम् तमसा जीवम साद्वैतम सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री कृष्ण पादान सहगणल लीता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणासिंधो दीन बन्धो जगत्पते गोपेशा गो का राधा राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतृभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत अद्वैतगदाधार शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण क्रिष्न चैतन्य नाने नमः नम शिक्षका <laughs> चेतो दर्पण मजनम भवदावाग्निवापण शेय कैरवचंद्रिका वितरण मिद्यावधु जीवनम आनंदंबुदिवरधनम प्रतिपदम पूर्णातनम सर्वात्म स्नपन परम विजयते श्रीकृष्ण संकर्तनम नामनाकारी बहुदा निज सर्वशक्तियमित स्मण काल तव कृपा भगवन्म्मा दुर्दृशमी जानुई नन जानी नानु ना रागह त्रिनादपी शुनिचेना तरोरपी शहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतार भक्ति रहितुकी की ऐनन्दतनुज किं करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थित धुलिसदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुधया गिरा पुलकैर्निचितं वपू कदा तव नाम भविष्यति युगायितं निमिषेना चाक्षुषा प्रवृषाय शूनियायिम जगत्सर्व गोविंद विरहेण मे आश्लिष्य वापरता मददर्शना मर्मता कौत वा तथा विधधातुम पटो माणनाथस्तु सर मत प्राणनाथ हम लोग लीला चेतन चरतामृत की लीला अध्याय आठ लेखक को कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना ये हम लोग पढ़ रहे हैं चेतन चरतामृत कृष्णदास के विराज गोस्वामी ने लिखी और उनको आदेश मिला डायरेक्टली भगवान से और गुरुओं से तो वो जो स्टोरी है उसको यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं पिछली बार हमने पढ़ा नाम के ऊपर कि नाम के साथ कितने अपराध हो सकते हैं दस नाम अपराध वो हमको नहीं करने चाहिए उन नाम अपराधों को अवॉइड करते हुए हमको अपनी साधना में अपने जाप में लगना चाहिए भले हम ये बुक पढ़ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में लेकिन ये नाम अपराध केवल कृष्ण नाम के लिए नहीं है जो भी आप कर रहे हैं अपराधों से बचे किसी और भी देवता का भी नाम यदि आप कर रहे हैं समझो आप शिव जी के भक्त हैं आप शिवजी के प्रति आपकी भक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है या देवी जी के भक्त हैं, आप उनके भी यदि नाम जप रहे हैं तो भी इन नाम अपराधों से आप बचना ठीक है गुरु की अवज्ञा नहीं करना गुरु ने जो कहा उसको मानना और ये जो जो लोग इनका नाम का प्रचार प्रसार करते हैं भगवान के नामों का जो सत्संगी जो है उनके भी बारे में कभी गलत नहीं सोचना हरिहर तत्व में भेद नहीं करना और नाम ये सोचना कि हम नाम जप रहे हैं जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोगों से होती है जो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व मिस्टेक है मेरे नजर में कि नाम भी जप रहे हैं और पाप कर्म में भी लगे हुए हैं जब उनको बोला जा रहा है ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना नहीं वो लगे रहते हैं तो ऐसे नहीं चलता तो नाम भी जपना है और पाप कर्म भी नहीं करने हैं ये कभी मत सोचना कि आप भगवान का नाम लेने लगे तो आपके पाप कर्म कैंसल हो जाएंगे लोगों को ऐसा लगता है हमने तो पाप कर्म किए कोई बात नहीं अब हमने ले लिया ना कैंसिल हो जाएगा कैंसिल नहीं होता समझ लेना जो पुराने किए हैं उसको भोगना ही पड़े था पड़ता है हाँ जिस दिन से आपने सरेंडर कर दिया भगवान की तरफ और हर कर्म को हर एक घंटे के बाद याद करके सरेंडर कर रहे हैं वो भाव में जब आप आ गए पूरी तरह से जिसकी तो भक्ति बढ़ जाएगी ना स्ट्रांगली तो उसके तो जिसकी चैंटिंग चौबीस घंटा चल रही है ना उसके तो मुख पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं उसके तो जीवा पे सरस्वती रहती है उससे तो गलतियां होंगी नहीं उसके तो चित्त में भगवान खेल रहे हैं जिसके चित्त में भगवान खेलते हैं रहते हैं उनसे पाप कर्म होंगे ही नहीं कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं ऐसे अरे सब कुछ प्रकृति करा रही है तो हम कौन है हमसे हमसे गलती नहीं हो रही हम लोग कैसे पाप और पुण्य कर रहे हैं आपको अगर इतना ज्ञान है अगर उसका भान है तो प्रकृति तक आप पहुंच गए तो आत्मा तक परमात्मा तक भी पहुंच जाइए जो परमात्मा में रहेगा उसकी प्रकृति शुद्ध हो जाएगी त्रिगुणातीत हो जाएगी जो परमात्मा के साथ जुड़ा है वो गलत कर ही नहीं सकता उससे अनजाने में गलती हो गई तो भी भगवान उसका ख्याल रखने वाले मैं हमेशा हनुमान जी का एग्जाम्पल लेती हूँ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं उनको ज्ञानियों में हम लोग अपना ज्ञान लगाते हैं छोटी छोटी चीजों पर और हमें लगता है हमें बहुत ज्ञान आ गया हमने बुक पढ़ ली तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानियों में जो सबसे आगे और सबसे हम्बल हनुमान जी सबसे हम्बल हनुमान जी हनुमान जी जब लंका गए जलाने के लिए तो लंका जलाने नहीं गए लेकिन ऐसा उनके टेल में उन्होंने किया वो आप लोगों को तो कथा पता ही पता ही है कर, कथा में नहीं जाती हूँ लेकिन जब जली अरंका तो कितने वृक्ष जल गए और जब वो दहाड़ मार मार के यहाँ से वहां जा रहे थे ऐसा उत्पात मचाया है कहते कितनी गर्भवती जो औरतें थी उनका गर्भ गिर गया बगीचे उखाड़ दिए हमारे आप पुराणों में पढ़िए तो पेड़ लगाने का कितना पुण्य है और पेड़ उखाड़ने का उतना ही पाप है उससे ज्यादा पाप है पेड़ उखाड़ना पेड़ काट देना जीते जी पेड़ों को फॉर नो रीजन अब यहां इन्होंने गार्डन के गार्डन जला दिए पूरी लंका उतनी बड़ी कंट्री है उसके उद्यान जला दिए तो पाप नहीं लगा होगा इतनी गृहणियों इतने गर्भवती औरतों के बच्चे का मिसकैरेज हो गया इनकी इनकी हरकतों की वजह से तो हम अगर देखें तो हमें बोलना चाहिए इनको तो पाप लगना चाहिए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए जी को लेकिन नहीं लग रहा क्यों नहीं लग रहा क्योंकि वो करता है ही नहीं वो मान, वो मान तो भगवान के सेवक है भगवान ने भगवान का वो काम कर रहे हैं तो ऐसी जिसकी थिंकिंग हो जाती है हनुमान जी जी के जैसे कि हम भगवान के सेवक हैं अनजाने में कोई कोई गलती भी हो गई तो भगवान बोलते अरे ये मेरा सेवा है ये मेरे ध्यान में लगा हुआ था इससे गलती हो गई होगी लेकिन इसका तो संभालने वाला मैं हूँ इसका पर्सनल जिम्मेदारी हो गई आपसे भगवान देखते अरे नहीं ये तो मेरी सेवा में लगा, लगा त्रुटि तो हो गई तो मैं लूंगा मैं इसका जिम्मेदार हूं जैसे आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो सिंसियरली आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो बोली समझो आपके पीछे आई तो कई बार कंपनी इंटरव्यून करती कि नहीं नहीं वो मिस्टेक हमसे हो गई थी ना आपको बचा लेती कंपनी ऐसे ही भगवान है आर्मी वाले जो होते हैं आर्मी वालों को एक अलग कोर्ट होता है उनको नॉर्मल कोर्ट से आ, उनका सुनवाई नहीं होता क्योंकि जब वो करते हैं लड़ाई करते हैं बॉर्डर पर जाकर के तो होती है गलतियां तो उनकी अलग सुनवाई होती है तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी अलग सुनवाई होती है उनको नॉर्मल यमराज के कोर्ट ये उनकी सुनवाई कर नहीं सकते और भगवान वहां पर देखते कि मेरे ये भक्त कैसा था क्या है कहां गलती होगी इसको कहाँ सुधारना तो ये थिंकिंग मत रखना कि प्रकृति के हम बने हुए हैं इसलिए प्रकृति हमसे गलतियां करा रही है इसलिए हम कर रहे हैं नहीं ये इग्नोरेंट लोगों की की बात होती है आप लोग ज्ञानी होते जा रहे हैं धीरे धीरे जो भगवान के साथ जुड़ेगा उससे गलतियां होंगी नहीं और अगर हो भी गई तो भगवान जानते हैं उसकी अलग भगवान के कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है अर्जुन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है दोस्त है मित्र है परम मित्र है परम सखा है और भगवान को गुरु बना लिया उसने बनाया ना अर्जुन ने पूरी गीता कहां सुनी है युद्ध स्थल पर सुनी है गीता पर सुनने के बाद एक घंटे के बाद क्या करने वाले हैं माला लेके बैठ के जपने वाले नहीं है घंटी बजा करके आरती नहीं करने वाले स्तुति कुछ नहीं करने वाले चाह तो वही रहे थे कि भगवान बोल दे इंडायरेक्टली मेरे को कि अर्जुन सब छोड़ यहां से और भाग तू <laughs> भगवान ने नहीं कहा पूरा एक घंटा सुना करके भी भगवान ने एक बार भी नहीं किया अर्जुन छोड़ दे जाने दे सबको माफ कर नहीं नहीं तू जा नहीं, नहीं भगवान तो उल्टा कितनी इतनी तत्व की बातें बताए और वो पूरा तत्व की बातें सुनने के बाद अर्जुन को क्या करना है धनुष लेना है बाण चलाना है वो बाण से फूल नहीं झड़ने वाले बाण से सैनिक मरने वाले हैं ऐसा युद्ध हुआ है कि कुरुक्षेत्र की भूमि लाल हो गई थी रक्त रंजित हो गई थी पूरा गीता सुनने के बाद जाकर के बाण चला करके मारना है लोगों को रक्त बहाना है आप सोच सकते हैं किस प्रकार का ये काम है अब कहने वाला तो कहेगा रे अर्जुन तो पाप हो रहे थे कह सकते हैं ना लेकिन भगवान ने क्या कहा तुम मेरी आज्ञा निमित्त मात्रे ना तुम मेरे लिए काम करो निमित्त बनकर के तुम चिंता मत करो अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग कोई बहुत बड़ा दुराचारी होगा लेकिन यदि वो मेरी सेवा में लगा है साधु एवं तव मंतव्य उसको साधु समझना सम्यक व्यवस्थित तो ही सा, वो सम्यक रास्ते चल रहा है, भगवान की सेवा में अंत में भगवान ने ये कहा सर्वधर्मान पर मामेकम शरणम्रज अहम तम स्व पापे भ्यो मोक्षस्यामी मां सुच तुमसे पाप हो जाएंगे कोई बात नहीं है सारे धर्मों को तुम भूल जाओ तुम केवल मुझे सरेंडर करो तुम्हारे से पाप होगा उसको भी मैं तुमको दूर कर दूंगा उन पापों के रिएक्शन से भी तुमको दूर कर दूंगा किसको अर्जुन जैसा जिसका सरेंडर होगा उसको नहीं पता क्या प्रकृति क्या है पुरुष क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ब्रह्म क्या सब पता था लेकिन जिस समय लड़ाई का समय आया सब भूल गया सब <laughs> तो भगवान गुरु बनकर के आकर के सब समझाए हम लोगों को वो ज्ञान दिया उनके थ्रू तो जो तो भगवान में रथ है भगवान में लगा हुआ है उससे अपराध बनते नहीं और अगर कोई देखने वाले को लगेगा कि हाँ ये अपराध कर रहा है देखने वाले को लग सकता है लेकिन भगवान के कोर्ट में उसका अलग उसकी जजमेंट होती है भगवान उसको अलग तरीके से संभालते हैं तो भगवान का जब करते रहिए करते रहिए हाँ ये कभी मत सोचना कि वो कैंसिल हो रहे समझ में आ रहा है ना भगवान के साथ जुड़ना वो एक अलग स्थिति है एक होता हमने केवल माला जप लिया बस रोबोटिकली करना है कर लिए उसके बाद फिर दुनिया में लग गए वैसी वाली भक्ति नहीं पूर्णतया सरेंडर है प्राण से मन से आत्मा से पूर्ण फुल सरेंडर लाइक अर्जुन लाइक गोपिया ठीक है वो पूर्ण सरेंडर क्या है गोपियों का सरेंडर वो हम चैतन्य चेता हैं जब हम पढ़ते हैं भगवान स्वयं आए राधा रानी के भाव लेकर के हमको समझाने के लिए तो आप लोग जो बिगिनर्स हो और एक बात और बताती हूँ कितने भी आप एडवांस हो गए हो हो सकता है आप तीस साल चालीस साल से जब कर रहे हैं बड़े महान आपने बहुत जब किए लेकिन हमेशा अपने आपको बिगनर ही समझना जब आप हमेशा अपने आप को बिग्नर समझोगे ना तो आपके अंदर घमंड नहीं आएगा आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा आपके अंदर ह्यूमिलिटी रहेगी ये मत समझो कि हमें सब कुछ आता है कुछ आ ही नहीं सकता मैं सत्य कहती हूँ ज्ञान सागर के समान है अगर कोई कहे कि मुझे बहुत ज्ञान है ना तो वो उससे बड़ा अनाड़ी कोई है नहीं अरे सागर है सागर ज्ञान वो सागर की थोड़ी सी बूंद तुमने ले ली हाँ उस सागर की बूंद से तुम्हारी प्यास बुझ सकती है किसी और की भी प्यास बुझ सकती है लेकिन ज्ञान समुद्र के जैसे कोई कैसे कह सकता है मुझे सब ज्ञान आता है हाँ आपको बहुत कुछ आता होगा <laughs> तो इस भाव से कि कितने भी साल आपने जब किए ना किए हो कितने भी घंटे आप बैठते हो कैसे भी आप हो लेकिन हमेशा अपने आपको यह मैं आगनर हूं जब आप ये समझोगे हम बिगनर हैं, हम तो अभी शिष्य ही हैं तो वो ह्यूमिलिटी आपकी बनी रहेगी अहंकार आएगा नहीं और आप बहुत ज्ञान आप धीरे 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 आप ग्रहण करते जाओगे धीरे धीरे थोड़ा भी अहंकार आया इस रास्ते तो वो ज्ञान बंद हो जाता है तो गुरु के प्रति ऐसे समर्पित होकर के मंत्र के प्रति ऐसे समर्पित होकर के अपने भजन में लगे रहो बिग्नर के जैसे हमेशा धीरे धीरे जो गुण आने चाहिए वो अपने आप आपके अंदर प्रकट होंगे कभी अहंकार नहीं करना कभी अहंकार नहीं तृणादपी सुनी जब हमें शिक्षक आश्रक पढ़ते हैं वो हमेशा कहते हूँ उसमें सब है तृणादपी सुनी तृणादी बिल्कुल घास की जैसे हम्बल हो जाओ हम्बलर दे ब्लेड ऑफ ग्रास टॉलरेंट लाइक अ ट्री अमाना मान देना कीर्तन या सदारी सबको मान दो और सदा हरि के कीर्तन में लगे रहो हमेशा बिन्दर बिगनिंग वाले जब करें बिल्कुल दिमाग में मत लगाना रहे हमने पाप किए तो अब हमारे पाप कैंसिल हो जाएंगे बिगनिंग <laughs> में तो बहुत भोगना पड़ता है पाप को कैंसिल होने में थोड़ा थो टाइम लगता है लेकिन हाँ आपने जन्म जन्मांतर में पता नहीं कितने पाप राशि कमाई होगी पहाड़ जैसी होगी शायद हिमालय जैसी होगी शायद लेकिन हिमालय जैसी पहाड़ जो पाप की राशियां हैं वो भी केवल एक भगवान नाम से नष्ट होने लगती हैं तो आपके पास थोड़ा भी समय है अब से लेकर के कब तक आपको नहीं पता अगर एक घंटा भी अगर आपके पास आज जीवन में है तो भी एक घंटे भगवान के चिंतन मनन में लगा दो बहुत सारी पापरश आपकी जल जाएंगी और भगवान के चिंतन मनन करते करते आप भगवान के धाम पूरा गोल ही यह है हम भगवान को भूले नहीं हम भगवान को भूले नहीं सदा सर्वदा हर वक्त हम उनको याद करें ठीक आगे बढ़ते हैं तदश्म सारम हृदय वेतदम यृहमाण हरिनाम धेय न विक्रेयताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात रुहुषे जब भगवान का नाम लेते हैं कृष्ण कीर्तन करते हैं तो कुछ सिम्टम्स आते हैं बॉडी में अगर वो सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं अभी तक भले कोई आकर के मुझे कह रहे हैं हमने आज 125 माला जप ली हमने आज एक, एक हमने आज चौसठ माला जपे हम तो रोज जपते हैं दो सवा तीन बजे उठ करके जपते रहते हैं अच्छी बात है आप जपते रहिए बट जपते 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 जब हार्ट का प्यूरिफिकेशन होगा ना जब प्रेम अंदर से थोड़ा थोड़ा आपको महसूस होगा ना तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं पहला लक्षण होता है ना प्रेम आश्रु बहना नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा शिक्षकाष्टक पुलिकर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मेरे नैनों से धार बहेंगे जब मुझे रोमांच होगा जब मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा आपके नामों से हे प्रभु वो दिन कब आएगा जिस दिन वो लक्षण प्रकट होने लगे ना तब आपका हार्ट थोड़ा सा प्यूरिफाई हुआ है अब उस लक्षण को पूरी तरह से प्रकट होने के लिए और ज्यादा चैंटिंग करनी चाहिए पॉजिटिव साइंसिंग बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बते रहो अपराध कभी करना नहीं किसी के भी प्रति नहीं किसी को कभी अभक्त समझना नहीं ये नंबर वन रूल हम तो बड़े भगत बाकी तो कोई नहीं है होली और दिन दाऊ वाली एटीट्यूड यहाँ नहीं चलती सभी को मान देना सभी भगत है सभी हमसे बड़े भगत है हम तो ऐसा मानना सभी हमसे बड़े भगत है हम कब उन तक पहुंच सकेंगे हर एक के अंदर अच्छे ही गुण को देखना हंस बनना राजहंस परमहंस ये बनना आपका गोल है ठीक तो यहां पर जो एक्सप्लेन करे वो यही बात एक्सप्लेन कर रहे यदि ये श्रीमद भागवत का श्लोक है यदि भगवान का नाम लेते हरि नाम लेते कीर्तन करते हुए किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता उसके नेत्रों में आंसू नहीं बहते उसका शरीर कंपित नहीं होता नहीं उसे रोमांच होता है तो यह समझना चाहिए कि उसका हृदय लोहे के समान कठोर है ऐसा भगवान नाम के चरण कमलों पर अपराधों के कारण होता है जब अपराध होते हैं तो ये नहीं हो पाता जो जो हृदय खुलना है ना वो नहीं हो पाता एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश लेकिन अगर नहीं भी आ रहे हैं तो व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए हाँ ये समझ गए ना कि अभी हमारे पाप शायद पुराने हैं इसीलिए हमें ये फीलिंग नहीं आ रही है तो क्या हो गया कहते हैं एक एक माह एक एक भगवान का नाम करोड़ों करोड़ों पाप राशियों को भस्म करने में समर्थ है आप इतना पाप कर ही नहीं सकते जितना एक एक नाम केवल मिटा सकता है। तो प्रयत्न करके कह रहे हैं निरपराध होकर के भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं और भगवत कर, भगवत प्रेम के कारण स्वरूपा शुद्ध भक्ति प्रकट होती है पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था ये ये अंतगतम पापम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहनिर्मुखता नि, भजनते माम दृढ़ ये गीता का श्लोक है भगवान ने कहा था दो क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है जिसकी ये दो क्वालिटी क्वालिफिकेशन पूरे होते हैं ना वही दृढ़ व्रत होकर भगवान के रास्ते चल पाता है कई लोग चलते तो है लेकिन फिर छूट जाता है फिर आकर के बोलते रहे पता नहीं हमारा छूट क्यों गया हम तो बड़े लगे हुए थे लेकिन पता नहीं क्यों छूट गया ये दो कारण की वजह से एक पुरानी पाप राशिया पूरी तरह से अभी गई नहीं तो पुराने पाप कर्म जो है ना जैसे जैसे आदमी भजन करने चलता है पुराने पाप कर्म आ जाते हैं उसके उसको करने नहीं देते और नई पुण्य राशि जो बढ़ानी चाहिए वो बढ़ती नहीं है तो पाप आपके पुराने कम होने चाहिए खत्म होने चाहिए समूल। और पुण्य आपके बढ़ने चाहिए पुण्य बढ़ाने का एक ही तरीका है भगवान नाम भगवान नाम भगवान नाम और कोई तरीका नहीं एक बार मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं यंग थी मतलब तो मेरे पिताजी ललिता ससाम का एक शिविर लगवाए थे तो करुण नाम अर्चन के हमारे नवरात्रि में शिविर लगती थी तो मैंने मैं देवी की भक्ति तो मैंने कहा कि पापा मैं सवा लाख अर्चन वाला मैं एक छोटा सा शिविर अपने एरिया में लगाऊंगी पापा बोले ठीक है लगा लो तो खूब पे अर्चना होती है तो श्री हमने लाया था और खूब लोकल्स को जितने थे सबको बुला करके स्कूल में हॉल बुक किया और पूरा हमने बहुत बड़े अच्छे से विधिवत पूरा अर्चना की और उस भीड़ में एक व्यक्ति आया था तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरे को यंत्र दे दो मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए मेरा स्वभाव थोड़ा सा ऐसे दया वाला था मैं सबा करके जो कोई मांगता था मैं दे देती दे। तो मैंने यंत्र उसको दे दिए फिर मेरे पिताजी ने पूछा और पापा को बताया कि मैंने यंत्र उसको दे दिया उसने कोई पैसा दिया नहीं वो बोला मैं बाद में दूंगा पापा बोले तू अभी बहुत भोली है मैंने कहा पापा आप जाने दो ना बेचारे बड़ा तकलीफ में था तो मुझे ऐसा दया आ गई मैंने दे दिया क्या फर्क पड़ता पापा आशीर्वाद ही गया पापा बोले ठीक है तूने दे तो दिया लेकिन मैं एक बात बताता हूँ तीन दिन में तीन दिन में वो व्यक्ति वापस आएगा यंत्र देखी नहीं है देख। तो, मेरे दिमाग में पढ़ा रहा मुझे तो यंत्र लौटा के जाएगा मैंने तो अच्छे से काम किया एक पैसा उसे चार्ज नहीं किया दिल से उसकी सेवा की उसका तो भला ही होना है लेकिन ऐसे ही हुआ तीन दिन बाद वो आया वो व्यक्ति वो यंत्र मेरे घर में फेंका और पता नहीं क्या ंग गालियां देकर के अंट शंट बक करके निकल गया जिसे दिमाग खराब हो गया मेरा उस समय में और मैं यंग थी तो और गुस्सा आता <laughs> मैंने, मैंने पापा को फोन लगाया मैंने पापा सच्ची में आपने जो बोला तो वही हुआ उसने आकर के पूरा रिटर्न कर दिया क्या हुआ क्यों उसने ऐसा किया मैंने तो फ्री में दिया उसको पैसे चार्ज कर लेते तो भी गाली देता तो मैं सोचती फ्री में यंत्र दिया फिर भी ये हाल तो पिताजी बोले अरे इतने पाप कर्म बड़े हुए हैं उस व्यक्ति के उसके नौकरी तुझे नहीं पता होगा उसका जीवन क्योंकि ये बिल्कुल मेरे पिताजी तो देख सकते थे भविष्य वगैरह और आदमी को देख करके पढ़ लेते थे, थे चेहरा देख करके तो बोलते थे उसकी ना नौकरी चलती होगी ना उसका धंधा चलता होगा ना पत्नी से पड़ता होगा उसके घर में अनेकों पाप दोष लगे हुए हैं ऐसे के घर में तो इतना चैतन्य श्रीयंत्र भेज रही है जिस पर गुरुओं की अर्चना देवी की अर्चना और तेरी खुद की शुद्ध भक्ति की वो घर में वो यंत्र टिक ही नहीं सकता ने दे दिया मुझसे बिना पूछे प्यार से मैं तेरी भावना को समझता हूँ लेकिन उसके पाप कर्म इतने बड़े हैं कि वो आकर के के खुद रिटर्न करके जाएगा और उसने देख गालियां दी गालियां देते ही उसने और अपने पाप कर्म की राशि को बढ़ा लिया तो मैंने पापा इनको बचाएगा कौन हम ही जैसे लोग बचाएंगे ना पापा बोले कोशिश कर लो वो बचना ही नहीं चाहते इनको बहुत हम्बल होना पड़ेगा बचने के लिए सच में कोई गुरु इनको मतलब गुरु के शरण में हजारों महान गुरु से महान गुरु से गुरु लोग आ, आ जाए इनके सामने जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे जब तक वो हम्बल नहीं होंगे तुमने फ्री में दे दिया उनको करुणा में दे दिया फिर भी उनको समझ भी नहीं आई बात तो वो कोई भी इनका भला नहीं कर सकता ऐसी ज्यादा पाप की राशियां इन्होंने बढ़ा करके रखी है ये हजारों बुक्स पढ़ेंगे हजारों जगह जाएंगे लेकिन इनको कल्याण होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि गुरु मिलकर के गुरु के सामने सरेंडर नहीं करना और गुरु प्यार से दे रहा है उसकी बात को नहीं समझना ये इसलिए होता है कि पुराने पाप कर्म इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े एक हमारे ये सब मैं बता रही छोटी छोटी गलतियां लोग कैसे कैसे करते हैं स्वार्थ में आकर के एक बार और ऐसी हुआ यूएस में मैं थी तो हम लोग हमारी क्लासेस चलती थी तो एक लेडी आई अपनी बेटी को लेकर के तो बोली अरे हमारे पास इतनी तकलीफ है बहुत तकलीफ है हमारा कुछ भला कर दो और वो मेरी बेटी तो बहुत अच्छा गाने में है गुरुद्वारे में भजन गाती है तो मुझे कोई ऐसे बोलता है गुरुद्वारे में भजन गा रही तो गुरुद्वारे के भजन मुझे अच्छा लगता है मैंने कहा अच्छा सुनाओ जरा भजन सुनाओ भजन सुनाया उसने मेरे को और मैं तो तुरंत इम्प्रेस हो जाती हूँ मैंने कहा अरे वाह कितने अच्छे भजन गाया आपने फिर मैं और माँ ऐसा रोए जा रही है इतनी तकलीफ है पति ने हमको छोड़ दिया है हम पैसे धन नहीं है हमारे पास इसकी नौकरी भी नहीं लग रही है खाने को कई बार नहीं मिलता भाई भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है इसका भाई भी तो उसके जाने के बाद मुझे बड़ी दया आई मैंने कहा बेचारी इतना मेहनत कर रही है भगवान ने इसको मेरे पास भेजा है इसका कल्याण होना चाहिए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैंने कहा इसको नौकरी कुछ दे देना हस्बैंड तो ने बोला ठीक है दे दे हूँ तो कह देती तो तो मेरे हस्बैंड ने उसको एक काम दिया छोटा तो देखने के लिए कि क्या काम कर सकती है तो अब काम करने के लिए लैपटॉप ला, ला, देना पड़ेगा तो मेरे हस्बैंड ने उसको लैपटॉप दे दिया ये ले लैपटॉप ले तुझे मैं जो काम देता अकाउंटिंग का वो करना ये और उसने फिर बोला अरे थैंक यू सो मच आप मुझे संगीत भी सिखाएंगे क्या मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है सिखा दूंगा तेरे से फीस नहीं चार्ज करूंगा तू आ जा ठीक है तो संगीत सीखने आना है फीस भी नहीं ले देना है लैपटॉप भी ले लिया हम सैलरी भी दे रहे हैं एक महीना बीता होगा हार्डली एक महीने के बाद गायब अब उसको फोन लगा रहे कहाँ हो भाई तुम तो पता नहीं फोन रहा ही नहीं फिर माँ को एक कड़क फोन किया गया कि कहा हो नहीं तो हमको पुलिस में जाना पड़ेगा वेर आर यू तो माँ का फोन आके रोते रोते अरे हमको माफ कर दो वो काम नहीं कर सकती उसकी हालत खराब है उसका भाई उसको डांट रहा है हम काम नहीं कर सकते तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं काम नहीं कर सकते हो लैपटॉप रिटर्न कर दो दूसरे काम करेंगे उस पर नहीं गायब मतलब गायब उसके बाद फोन ही ऑफ <laughs> तो आप सोचिए कि कोई भगवान का नाम लेकर के आता है इसलिए बता रही हूँ हमको तो कोई तकलीफ नहीं कोई एक लैपटॉप गया कोई बात नहीं इतनी कंपनी में लैपटॉप आते हैं हमको कोई तकलीफ नहीं होती है छोटे से चीज से लेकिन मैं उस व्यक्ति का उसके जाने के बाद इन दोनों के जाने के बाद मैं उनके आचरण को सोचने लगी और मैं सोचने लगी क्यों ये तकलीफ में है ये ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स जो इनका हाथ पकड़ता है उसी को ये धोखा देने में इन्हें कुछ नहीं लगता अब ये जाके कितना भी गुरुद्वारे में भजन गाते रहे भगवान थोड़ी ना डायरेक्टली आकर के आपको कुछ करेंगे इनडायरेक्टली हेल्प करते है ना आपको तो जब भगवान हेल्प करते हैं आपको नहीं रहना है तो आपका एक तरीका होता है ठीक से ना डील करने का लेकिन आप चोरी करके भाग जाते हो तो वो जो चोरी आपने किया जिसने आपकी मदद की उसकी आपने चोरी की जिसने आपको पैसे भी दिए धन भी दिए सब दिया उसको उसकी आपने उसको आपने धोखा दिया तो वो धोखे का फल कौन भोगेगा कितना भी आप गुरुद्वारे में चले जाओ भोगना तो पड़ेगा ऐसे कितने कितने एक्सपीरियंसेस है लाइफ के आए मेरे पास एक लड़ी आई रोते हुए घर में उसके केवल मतलब देख करके समझ आता ना बच्चे को देख करके मैं समझ गई कि भूते हैं घर के लोग मुझे सिंसियरली मैं उसे घर में गई मुझे दया आ गई कि अरे इतना घर इतना नेगेटिविटी से भरा पड़ा है तो मैंने उसको कहा उस समय पर पहले मैं लोगों को अनुष्ठान वगैरह बता देती थी अब तो नहीं बताती बिल्कुल मैं थोड़ा इनसे दूर हो गई अब लेकिन आ, मैंने बोला देखो तुम काली का अनुष्ठान कराओ तुम्हारे घर में शांति होगी काली के बुलाओ काली का अनुष्ठान देकर के उसको सारा हेल्प करके सब करने के बाद यहाँ तक कि अपने यहाँ काम भी दे करके <laughs> अंत में सेम चीज धोखा देके निकल जाना थोड़े से गेंद के लिए धोखा देके निकल जाना धोखा देके तो निकल गया मैं तो कुछ जाकर के उल्टा बोलती नहीं क्योंकि मुझे इतना पता है कि भगवान का का भगवान कर्मों को छोड़ते नहीं आप कितने भी अच्छे बन जाओ गलत कर्म हो गए तो आपको भोगना ही उस लेडी को मैं जिंदगी भर नो मतलब कितने साल से देख रही हूँ ऐसे 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 जीवन उसका गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया उठने का कोई चांस ही नहीं है और मुझे तब जाके समझा जब उसकी जब विवाह हुआ था उसने सूरी बताई थी ये तकलीफ है वो तकलीफ है वो तकलीफ है तो क्यों तकलीफ है क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा है स्वार्थ करके किसी से प्रीति करना फिर उनसे सारा जो हेल्प है लेना फिर उन्हीं को धोखा दे देना तो जब आप ऐसे करते रहोगे तो आपके जीवन में जो आपके क्लोज वंस है वो आपके धोखा देकर के जाएंगे ये भोगना ये भोग दंड, ये लगा ही रहता है तो एक तरफ तो आप नाम जप रहे हो लेकिन साथ में गलत काम कर रहे हो तो ये नहीं कैंसल होते भगवान का नाम जपने वाला जो सिंसियरली जपता है उसका थोड़ा राशि लूज भी हो जाएगा ना उसको तकलीफ नहीं होगी और वो दूसरे को तो वो चीट कर ही नहीं सकता कभी नहीं कर सकता ऑलवेज भगवान के भक्त में ग्रेटफुलनेस हम कृतज्ञ हैं आपके छोटी सी चीज के लिए भी कृतज्ञता उनके अंदर से निकलती ग्रेटफुलनेस निकलती है थैंकफुल आई फील सो ग्रेटफुल भगवान के भक्त कभी कृतज्ञ हो नहीं सकते चाहे उनको कोई दस गाली भी सुना जाए लेकिन उनको कृतज्ञता आएगी नहीं चीटिंग तो दूरी है कर ही नहीं सकते जो उनके आश्रित है उनका हाथ पकड़ के जाकर के प्रार्थना करके उल्टा देकर के आएंगे मैं तो ऐसे सच्ची में संतों से मिली हूं गुरुओं से मिली हूं। तो ये जो गीता में भगवान ने कही ये शांत पापम जना नाम नाम जिनके पाप कर्म की राशि पूरी तरह से समाप्त होती है और कर्म की राशि जिनकी पूरी तरह से बढ़ती है वो ही मेरे भक्ति के रास्ते करके चलते हैं, के क्लास में, मैं हमेशा ही बोलती हूँ जब कोई जब लोग आते हैं अरे हमको क्लास करनी है तो मैं एक एक के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जो भी होगा इस समय इनके क्लास हो जाने देना अठारह चैप्टर तक कैसे भी हो जाने देना इनका फिर भी एकाध लोगों की जीवन शैली जान अगर समझ में आती है मुझे तो मुझे उनके लिए तो और विशेष मतलब डर लगा रहता है कि इनका छूटेगा इनका पाप कर्म बहुत ज्यादा है और देखा है मैंने चाहते हुए भी मैं पकड़ करके उनको मैं बैठाना भी ना वो नहीं बैठ पाते आठवां चैप्टर होते होते वो उनको ऐसा उच्चाटन होता है वो छोड़ देते नहीं ले पाते और फिर मुझे और दया आती है कि अरे बापरी अब इनको कौन बचाएगा फिर फिर मैं सोचती हूँ भगवान की दुनिया है जैसे वो आए थे भगवान आगे जाके बचाएंगे इतना तो बीज इनके अंदर गया कि पुराने पाप कर्म को काफी नष्ट किया होगा जो भी इनको संग मिला भगवान की वो कृपा है कि थोड़ा इनको मिला ये जगह जगह पे भगवान के रास्ते चलना कठिन है क्योंकि पुराने कर्म बहुत बढ़ करके आते हैं तो इसलिए अगर कोई गुरु मिल गए तो कोशिश करके उनकी बातों को सुनो उस पर अमल करो अगर गुरु पर से भरोसा हट गया तो बहुत मुश्किल है तुम आगे बढ़ पाओगे फिर भी भगवान के नाम को लेते रहो लेते रहो लेते रहो भगवान का नाम कैसे भी तुमको बचा लेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग उदय हय प्रेमेरा प्रे विकार स्वेद कंपा दी गद, गद, गद अश्रुधार मैंने आपसे अभी कहा कि जब प्रेम होता है भगवान के लिए तो क्या क्या लक्षण होता है जब किसी में सचमुच भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जागृत होती है तो इससे शरीर में स्वेद कंपन हृदय का स्पंदन वाणी का अवरोध तथा आंखों में अश्रु जैसे रूपांतरण उत्पन्न होते हैं अनाया भव क्षय कृष्ण रसे वन एक कृष्ण नाम पाए फले पाई धन भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हुए उसके फलस्वरूप मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में इतनी अधिक उन्नति होती है कि उसके भौतिक जीवन का अंत तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति एक साथ होते हैं कृष्ण का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि केवल एक नाम के उच्चारण से उसे दिव्य संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है यदि भगवान के पवित्र नाम का बारंबार जप करने करते रहने पर भी मनुष्य में भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं होता और उसकी आंखों में अश्रु प्रकट नहीं होते तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जप में उसके अपराधों के फलस्वरूप कृष्ण नाम का बीज अंकुरित नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए कहते हैं गुरु के बिना तो काम नहीं चलेगा आपको कोई देहदारी गुरु पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं है आप साक्षात चैतन्य महा महाप्रभु को और उनके भ्राता नित्यानंद महाप्रभु को गुरु बना लो अपना उनके चरण पकड़ लो आप चैतन्य नित्यानंदे नहीं प्रेमे दाने बहु बहे अश्रुधार किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों को तुरंत अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है इस तरह वह ही कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है त्यो ही उसे भगवत प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव होता है ये नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु ये प्रेमा अवतार है आप इनके चरण पकड़ लीजिए हृदय में भगवत प्रेम गारंटेड 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 प्रकट हो जाएगी इनको अपना गुरु बना लीजिए स्व श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे अत्यंत दयालु हैं। उनकी पूजा किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती और मोड़ लोक सुन चैतन्य मंगल चैतन्य मिमा याते जानी बेसकल अरे मूर्खो जरा श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो चैतन्य मंगल अभी इस बुक को हम चैतन्य भागवत कहते हैं इसको श्री लोचन दास ठाकुर ने लिखा था अब इसको उसको बाद में शीला वृंदावन दास ठाकुर ने उसका नाम बदल दिया और उसे अब वो चैतन्य भागवत कहते हैं इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हो कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीला वृंदावन दास जिस तरह श्री व्यास देव ने श्रीमद भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है उसी तरह चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल यहावण नाश सर्व अमंगल ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं के सत्य को जान सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्म तक चरम निष्कर्म तक पहुंच सकता है श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल में श्रीमद भागवत से प्रमाणिक उदाहरण लेते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य मंगल को सुन ले तो वह तुरंत महान भक्त बन जाता है मैं वृंदावन दास प्रणाम करता हूं उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी के उधार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं ले सकता नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी श्रील वृंदावन दास ठाकुर उसी के कोख में जन्मे थे ये जो नारायणी उनकी माँ का नाम है और कोख से इसमें कहते हैं इसके जो तात्पर्य पढ़ते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण शिशु थे तब अंबिका नामक स्त्री ने उन्हें पाला था कि उसकी छोटी बहन थी श्री चैतन्य के अवतार के समय यही की अलंबिका श्री चैतन्य महाप्रभु का जूठन खाया करती थी यही किलंबिका नारायणी थी जो शिवास ठाकुर की भांजी थी बाद में जब यह बड़ी हुई और उसकी शादी हुई तो उसके कोख में शिल वृंदावन ठाकुर का जन्म हुआ आगे तारकी अद्भुत चैतन्य शुद्ध त्रिभुवन अहा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसा भी कैसा ही अद्भुत वर्णन उन्होंने दिया है तीनों लोकों में जो कोई सुनता है वह पवित्र हो जाता है हर एक से मेरा आग्रह है कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु द्वारा दी गई भक्ति विधि को अपनाएं और इसी तरह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करें श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा और उसमें चैतन्य महाप्रभु के लीला का लीलाओं का पूरी तरह विस्तार से वर्णन किया है उन्होंने सर्वप्रथम संक्षेप में महाप्रभु की लीलाएं दी और बाद में उनका विस्तार वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत है अगाध है अतएव इनका वर्णन करने में यह ग्रंथ विशाल काय बन गया तो चैतन्य भागवत लिखी लेकिन बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो सागर के समान है कितना कोई लिखे लेकिन फिर भी लिखा तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया तो फिर भी इतना लिखने के बाद भी उन्हें लगा कि नहीं नहीं अभी पूरी तरह से ठीक से लिखा नहीं गया और जब वो लिखते गए तो नित्यानंद महाप्रभु की लीलाएं थोड़ी ज्यादा हो गई तो ग्रंथ लेकिन उतने में ही बड़ा हो गया तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कम लिखी गई तो उनका दिल नहीं भरा कह रहे नित्यानंद प्रभु की इतनी लिख गए लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लिख नहीं पाए तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को और विस्तार में लिखने के लिए फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको लिखा तो उन्होंने यहां पर लिखा है उन्होंने नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का भाव में वर्णन किया है किंतु चैतन्य महाप्रभु की अन्य लीलाएं अनकही रह गई अंत्य लीलाएं अनकही रह गई वृंदावन के सारे भक्त इन लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे वृंदावन नामक महान तीर्थ स्थल में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों से जड़ित एक सुनहला सिंहासन है अब ये वृंदावन दिव्य वृंदावन के बारे में कह रहे हैं वृंदावन कल्प ध्रुव में सुवर्ण सदन महायोग पीठ ताहा रत्न सिंहासन ताते वास आदा ब्रजेंद्र नंदना श्री गोविंद देव नाम साक्षाद मदन वृंदावन में एक सिंहासन है एक योगपीठ है उस कल्प वृक्ष के नीचे योगपीठ है उस योग पीठ में एक सुनहरा सिंहासन है उस सिंहासन पर नंद महाराज के पुत्र श्री गोविंद देव विराजमान है जो दिव्य कामदेव है राधा गोविंद की जय राधा गोविंद नाम का रावा, राधा गोविंद विग्रह राधा गोविंद मंदिर ये वृंदावन में है उसका यहाँ पर स्मरण हो रहा है वहां पर गोविंद देव की नाना प्रकार से राजसी सेवा की जाती है उनके वस्त्र आभूषण तथा सामग्री सभी दिव्य गोविंद जी के उस मंदिर में हजारों सेवक भक्ति भाव से सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं हजारों मुखों से भी इनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है उस मंदिर के मुख्य सेवक हैं हरिदास पंडित उनके गुण तथा यश सारे जगत में प्रसिद्ध है वे सुशील सहनशील शांत वदान्य गंभीर मृदुभाषी तथा अत्यंत धीर थे वे सबको सम्मान देते थे और सबके भलाई के लिए कार्य करते थे उनके मन में कूटनीति ईर्ष्या तथा द्वेष मात्र भी नहीं था तो वहां जो गोविंद देव मंदिर के जो मुख्य सेवक हरिदास पंडित उनके बारे में कह रहे हैं उनके शरीर में भगवान श्री कृष्ण के पचास गुण विद्यमान थे यदि किसी के में ये बात समझने वाली बात है ठीक है जब हम भगवान कृष्ण के नाम लेने लगे या जिस भी देवी देवता के आप नाम ले रहे जब, हो नाम जपते 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 और पूरे समय आप उन्हीं में लगे हो तो धीरे धीरे उन भगवान के गुण आपके अंदर प्रकट होने लगते हैं और मनुष्य के अंदर मैक्सिमम गुण पचास प्रकट हो सकते हैं तो हरिदास जो पंडित हैं उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण का इतना नाम लेते थे इतना नाम लेते थे कि पचास गुण तक वो प्रकट हो गए थे तो यदि किसी में कृष्ण के प्रति अविचल भक्तिमयी श्रद्धा है तो उसमें कृष्ण तथा सारे देवताओं के सदगुण धीरे धीरे प्रकट होते रहते हैं किंतु जिस जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती उसमें सुयोग्यता नहीं होती क्योंकि वह मनोकल्पना द्वारा भगवान के बाय रूप भौतिक जगत में लगा रहता है अनंत आचार्य गदाधर पंडित के शिष्य थे उनका शरीर सदैव भगवत प्रेम में लगा निमग्न रहता था वे उदार थे और सभी प्रकार से उन्नत थे अनंत आचार्य समस्त सदगुणों के आगार थे उनके बड़प्पन का अनुमान कोई नहीं लगा सकता पंडित हरिदास उन्हीं के शिष्य थे पंडित हरिदास को चैतन्य महाप्रभु तथा नैतन नित्यानंद प्रभु में प्रगाढ़ श्रद्धा थी अतः उनकी लीलाओं तथा गुणों को जानने से उन्हें परम तुष्टि होती थी वे वैष्णवों के सदगुण को सदैव स्वीकार करते और उनमें वे कोई दोष नहीं पाते वे वैष्णवों को तुष्ट करने में ही अपना तन मन लगाते थे वे सदैव चैतन्य मंगल का पाठ सुनते और उनकी कृपा से अन्य सारे वैष्णव भी सुना करते वैष्णव सभा को पूर्ण चंद्रमा की भांति आलोकित करते और अपने गुणों के अमृत से उनके दिव्यानंद को वर्धित करते उन हरिदास पंडित ने अपनी अहितु की कृपा से मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लिलाएं, अंतिम लिलाएं को लिलाओं को लिखने का आदेश दिया। रिंदावन में भगवान गोविंद की सेवा में लगे पुरोहित गोविंद गोसाई काशीश्वर गोसाई के शिष्य थे गोविंद अर, अर्चा विग्रह से को उनसे बढ़कर कोई अन्य सेवक प्रिय न था श्रील रूप गोस्वामी के नित्य पार्षद श्री यादवाचार्य गोसाई भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाते थे, थे ये सारे जो भी भक्तों का नाम ले रहे हैं, ये सब मिलकर के तो कोई रूप गोस्वामी को का शिष्य है कोई आचार्य गोस्वामी को आचार्य का अद्वैत आचार्य का शिष्य है इन सबने मिलकर के कृष्णदास कविराज को आशीर्वाद दिया है और उनसे कहा है अंत लीला वो किसी ने नहीं लिखी है आप कृपा करके उसको आप लिखिए और आगे भी और भी अन्य शिष्यों का नाम लिया जैसे कि भूगर्भ गोसाई पंडित गोसाई के शिष्य भूगर्भ गोसाई चैतन्य महाप्रभु संबंधी कथाओं में सदैव लगा रहते थे लगे रहते थे और उनके शिष्यों में से एक थे गोविंद अर्चा विग्रह के पुजारी चैतन्य दास मुकुंदानंद चक्रवर्ती तथा महाभागवत कृष्णदास अनंत आचार्य के शिष्यों में शिवानंद चक्रवर्ती और इसके अतिरिक्त अन्य भी कई महान भक्त थे वे सभी चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के इच्छुक थे इन सभी भक्तों ने कृपा करके मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के संबंध में लिखने का आदेश दिया यद्यपि मैं निर्लज हूं के आदेश से मैंने यह चैतन्य चरितमृत लिखे वैष्णव आज्ञा पाया चिंतित अंतरे मदन गोपाल गैला आज्ञा मागी बरे अब इतने वैष्णवों ने बोल दिया कि चैतन्य चरितामृत लिखो तो कृष्णदास केवराल कहते हैं मैं मुझे लगा कि आशीर्वाद तो मिला है लेकिन मुझे अब मदन गोपाल से आशीर्वाद लेना चाहिए तो वो राधा मदन गोपाल वहां पर मंदिर है वहां गए वो वैष्णवों की आज्ञा प्राप्त करने के लिए आ, करने के बाद लेकिन अपने मन में चिंतित होने के कारण मैं वृंदावन के राधा मदन मोहन मंदिर में उनकी भी आज्ञा लेने गए तो जब वो आज्ञा लेने गए मदन मोहन का तो जब वो आज्ञा ले रहे थे तो मदन मोहन गोपाल के गले से एक माला गिरी माला गिरी तो बस समझ गया सबको कि इनको आशीर्वाद मिल गया है लोगों ने हरिबोल बोल किया और उसके बाद फिर ये चेतन में जब मैं मदन मोहन के मंदिर में दर्शन करने गया तो पुजारी गोसाई दास भगवान की चरणों की सेवा में थे मैंने भी भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना की जब मैंने भगवान से आज्ञा मांगी तो तुरंत ही उनके गले से एक माला खिसक कर नीचे आ गई सब वैष्णव गण हरिध्वनि दिला गोसाई दास आनी माला मोर गले दिला जो ही यह घटना घटी तो वहां पर खड़े सभी वैष्णव जो उन्होंने जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहा इसकी हर्षधनी कही कि और पुजारी गोसाई दास ने वह माला ला करके मेरे गले में डाल दी तो सारे सं गुरुओं ने तो दी आशीर्वाद अब साक्षात मदन गोपाल ने भी अपने गले की माला गिरा करके उनके गले में डलवा दी इस माला को भगवान के आदेश के रूप में पाकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ और मैंने तुरंत ही वहीं पर यह ग्रंथ लिखना आरंभ किया जब हम पढ़ रहे हैं, मदन गोपाल मंदिर से लिखना इन्होंने आरंभ किया वास्तव में श्री चैतन्य चरितमृत मेरा लिखा हुआ नहीं है अपितु श्री मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखाया गया है मेरा लिखना तो जैसा दोहराना है जैसे तोते दोहराते हैं ना वैसा जिस प्रकार जादूगर कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मदन गोपाल मुझे जो जो आदेश देते हैं मैं वही लिखता हूं कुल देवता मोर मदन मोहन यारा सेवक रघुनाथ रूप सनातन कहते हैं मैं मदन मोहन को अपना अपने कुलदेव के रूप में स्वीकार करता हूं जिनकी उपासना करने वालों में रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी है वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान तारा आज्ञा लिया ते कल्याण तब मैंने ये सब का आशीर्वाद लेने के बाद फिर से श्री वृंदावन दास ठाकुर को स्मरण किया उनकी वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी सो so, दो बुक है याद रखना एक बुक है चैतन्य भागवत वो इसके पहले लिखी गई उसमें चैतन्य महाप्रभु की अंत लीलाएं नहीं है उसमें नित्यानंद प्रभु की लीलाएं बहुत ज्यादा है चैतन्य भागवत में और वो बड़ी बुक है उसके बाद की जो कंटिन्यूशन है जो सिक्वल वो सिक्वल कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है जो हम पढ़ रहे हैं ये है चैतन्य चैतन्य इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं और उनकी अंत की भी लीला इसमें ही है और कह रहे हैं तो अब उन्होंने फिर से वृंदावन दास ठाकुर को स्मरण किया और उनसे अनुमति मांगी और अनुमति मिलने के बाद इस ग्रंथ को लिखने का प्रयास किया फिर भी कहते हैं यहां पर आकर के चैतन्य ते व्यास वृंदावन दास तारा कृपा बिना अन्य नाह प्रकाश शील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रमाणिक लेखक हैं अतएव उनकी कृपा के बिना इन लीलाओं का वर्णन नहीं हो सकता मूर्ख मुई विषय लालसा वैष्णवा करी एसा हसा फिर वो और हम्बल हो जाते हैं हम्बल होकर के कहते हैं मैं मूर्ख निम्न कुल में उत्पन्न तथा क्षुद्र हूँ और सदा ही भौतिक भोग की इच्छा करता हूं फिर भी वैष्णवों की आज्ञा के कारण मैं इस दिव्य ग्रंथ को लिखने के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ आगे उन्होंने कहा श्री रूप रघुनाथ चरणे बल श्री रूप रघुनाथ चरणे रेई बल यार स्मृति सिद्ध वांछित सकल श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दस गोस्वामी के चरण कमल में ही मेरे बल स्त्रोत्र हैं और उनके चरण कमलों को स्मरण की के स्मरण से मनुष्य की सारी इच्छाएं संपूर्ण होती है श्री पर रघुनाथ पदे यारा करे आशा चैतन्य चरितमित कहे कृष्ण दास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुगम कर अनुगमन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के आठवें अध्याय का भक्ति वेदान तात्पर्य पूर्ण हुआ जिसमें लेखक द्वारा प्रमाणिक अधिकारियों कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करने का वर्णन हुआ है तो हमने आठवा अध्याय आज कि खत्म किया कल हम लोग नवे अध्याय पे जाएंगे भक्ति का कल क्ष कोई प्रश्न होगा तो आप लोग लिख देना आपको कल क्लास में ले लूंगी या पर्सनल जवाब दे दूंगी जय श्री कृष्णा बोल